गुड इवनिंग एवरी वन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ लिटरेरी टर्म नोन एज थीम एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि राइटर यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ इस वर्क एक सेंट्रल आइडिया एक सेंट्रल पॉइंट एक सेंट्रल सब्जेक्ट जो है जो राइटर जो मैसेज पहुँचाना चाहता है uh, अपने रीडर्स को दैट इज़ एक्सप्लेन थ्रू द थीम ऑफ द वर्क सो अ थीम इज इज टिपिकली जो है वो मैसेज होता है वर्क का एज रीडर इन्फर रिफ्लेक्ट एंड एनालाइज लिटरी थीम दे डेवलप अ ग्रेटर कैरेक्टर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क इट्स सेल्फ एंड कैन अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड द लिट्ररी वर्क एज़ अ मीन ऑफ ग्रासपिंग अ बेटर सेंस ऑफ द वर्ल्ड दुनिया को समझने के लिए स्पेशली बुक में लिखी हुई पोएम में लिखी हुई दुनिया को समझने के लिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वर्क का थीम्स जो है एक तो राइटर मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो मैसेज थीम के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है और दूसरी चीज़ द सेकेंड थिंग दैट अ थीम कैन एक्सप्लेन इज सॉरी थीम कैन डू द सेकेंड थिंग इज That it is open for uh, interpretation by the readers. For example, uh, suppose there is a novel written on uh, some topic.

देर आर टू टाइप्स ऑफ थीम्स एक क्या है मेजर थीम दूसरा जो है माइनर थीम मेजर थीम्स आर एज दे साउंड द मोर इम्पॉर्टेंट एंड एंडियोरिंग थीम्स ऑफ द नेगेटिव दे इज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द नेगेटिव कोई भी नेगेटिव कोई भी जो है नॉवल स्टोरी uh, या पोएम जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है मेजर थीम जो उसमें है जो राइटर जो है कन्वे करना चाह रहा है अपनी बुक्स से ठीक है जैसे कि एनिमल फार्म जो है हमने नावल पढ़ी थी वो क्या है एक पॉलिटिकल सटायर था और यूएस यूएसएसआर वगैरह इनकी जो है पॉलिसीज़ की हिपोक्रेसी जो है एक्सप्लेन करने के लिए ये नावल लिखी गई थी वैसे ही एलेक्ज़ेंडर पोप का रेप ऑफ लॉग जो है विक्टोरियन एरा की इंग्लैंड की जो है वहाँ पर उनके कल्चर को क्रिटिसाइज़ करने के लिए जो है बनाया गया था सो दीज़ आर द मेजर थीम्स ऑफ अ नावल ऑफ़ द वर्क सॉरी मेजर थीम्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट थीम्स ऑफ द स्टोरी एंड ऑफन दे आर पार्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी अ बुक ऑन वॉर वुड हैव द मेजर थीम ऑफ वॉर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमैटी वेर इज रोमांस नॉवल हैव द मेजर थीम ऑफ लव मतलब अगर वॉर पे कोई नॉवल लिखी है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट मेजर थीम क्या होगा कि वॉर के ह्यूमंस पे ह्यूमन लाइफ पे ह्यूमैनिटी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं इफ़ देर इज अ रोमांस नावल देन इट वु कंसिडर द मेजर थीम ऑफ लव वैसे ही माइनर थीम्स जो है ये भी होते हैं एक वर्क में एक इम्पॉर्टेंट वर्क अगर है उसमें मेजर थीम्स होते हैं उसके अलावा छोटे छोटे थीम्स होते हैं उसको हम माइनर थीम्स कहते हैं एंड माइनर थीम्स जो है दीज डिपेंड ऑन द इंटरप्रिटेशन एंड परसेप्शन ऑफ द रीडर फॉर द मोस्ट पार्ट ठीक है समझो अगर कोई वॉर पे लिखी हुई नावल है या बुक है तो उसमें ऐसे भी हो सकता है कि uh, वॉर कहीं और चल रहा है और जो है uh, आपको रिएक्शन जो है उस कंट्री के जो लोग समझो इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स ने दे पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वॉर टू इफ a, uh, no, a novelist is writing राइटिंग ऑन he ही डज नॉट नेसेसरीली मीन कि वो बैटल फील्ड का एक्सपीरियंस ही डिस्क्राइब करे कभी कभी घर के क्या हालात है ये भी डिस्क्राइब कर सकता है बॉर्डर मूवी है ना बॉर्डर मूवी पे ज़्यादातर हमको बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस आता है वो लोगों में या फिर जो है कुछ कुछ जो है चीज़ें जो है कि घर के लोगों का रिएक्शन क्या होता है या सोल्जर्स जब जाते हैं बैटल पर यह माइनर थीम हो गया वॉट इज़ द इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन द होम uh, फ्रंट है ना ऑन द होम ऑन द लाइव ऑफ द पीपल रिलेटेड टू द सोल्जर समथिंग लाइक दैट समझो अगर रोमांस नॉवल लिखी है तो कभी कभी जो है मैरिज इसमें मैरिज का थीम होता है माइनर थीम होता है फ्लोटेशन का या फिडेलिटी का भी माइनर थीम होता है, है ना ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती है मेजर थीम और माइनर थीम में इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग अ थीम वाई थीम इज़ यूज थीम क्यों यूज होता है ठीक है थीम जो है ये यूज़ uh, करने के करने के बाद जो है जो वर्क ऑफ आर्ट रहता है या जो वर्क ऑफ लिटरेचर रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है इट हैज़ कैरेक्टर इफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर डज नॉट हैव एन इम्पॉर्टेंट थीम देन इट डज़ नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एफेक्ट ऑन द रीडर्स है ना स्टोरी विदाउट मेजर आइडियाज फॉर द कैरेक्टर्स एंड रीडर्स टू एक्सपीरियंस थिंक थ्रू एंड लर्न

थीम थीम के बग़ैर जो है कोई भी वर्क ऑफ लिटरेचर अधूरा होता है अगर कोई वर्क ऑफ लिटरेचर राइटर लिख रहा है तो वो थीम के साथ ही लिख रहा है और यही रीज़न होता है राइटर का लिखने का राइटर का लिखने का जो है मकसद ही थीम थीम पहुंचाना रीडर्स तक थीम पहुंचाना उसके वर्क का यही जो है एक राइटर का मेजर एम होता है ठीक है नाउ फॉर दी एग्ज़ैम्पल्स ऑफ थीम्स तो यहाँ पे जो है दो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं एक जो है लैंगस्टन ह्यूज जो है उनकी पोएम है हार्लम हार्लम जो है न्यू न्यूयॉर्क यू नो न्यूयॉर्क इज़ द सिटी इन यू एस एट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो है यू एस की सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी है ये अपार्ट फ्रॉम वाशिंगटन डी सी सो न्यूयॉर्क में एक एरिया है जहाँ पे हारलेम जिसका नाम है एंड हार्लम जो है ये ये डेवलपड ड्यूरिंग द एटीन सॉरी ट्वेंटी एथ सेंचुरी में जो है ये एरिया डेवलप हुआ और ये प्रीडामेंटली यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ब्लैक पीपल का पॉपुलेशन है अफ्रीकन अमेरिकन जो है मेजॉरिटी में यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे जो है हालम uh, जो है सी ब्लैक पीपल वर स्लेवस बिफोर बिफोर द एटीन सेंचुरी जो है वो स्लेवरी में इन्वॉल्व थे और उनको बहुत सारे राइट्स जो है यू में नहीं मिलते थे तो ये लोग जो है अपनी अपनी कम्युनिटीज बना के रहते थे और हार्लेम जो है एक ऐसा एरिया था जहाँ पे मोस्टली ब्लैक पीपल सेटल हुए और यहाँ पे उन्होंने अपना कल्चर डेवलप किया द कल्चर विच वॉज सेपरेट फ्राम द रेस्ट ऑफ़ द वाइट पॉपुलेशन ऑफ न्यूयॉर्क और इसको जो ये जो कल्चर डेवलप हुआ यहाँ पर आर्ट लिटरेचर में जिसमें एफेक्ट्स दिखने लगे इस कल्चर के उसको जो है हालम रेनाजानस के बारे के नाम से भी जाना जाता है तो लेंसिन यूज़ ने हालम के बारे में पोएम लिखी है कि हालम में जो है बहुत होप्स एंड ड्रीम्स रहते हैं मतलब कि हालम के लोगों के बहुत होप्स एंड ड्रीम्स होते हैं बट बिकॉज दे आर ब्लैक पीपल बिकॉज दे आर नॉट वाइट पीपल ये होप्स और ड्रीम्स कभी कभी कम्प्लीट नहीं होते हैं तो हालम पोएम का जो है मेजर uh, थीम क्या है कि यहाँ पे जो है कुछ मेंबर सोसाइटी में ऐसे होते हैं जिनके ख्वाब जो है पूरे नहीं होते बिकॉज दे आर नॉट द फर्स्ट क्लास सिटीजन बिकॉज दे आर सेकेंड क्लास सिटीजन पर्टिकुलर इन दैट पर्टिकुलर एरिया समथिंग लाइक दैट है citizen, like that, ना फिर जो है दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन एंड दिस इज़ अ नावल बाय जेम्स जॉयस जेम्स जॉयस ने नो लिखी है और ये नावल बेस्ड इट इज़ बेस्ड अपॉन एन आर्टिस्ट द मेजर कैरेक्टर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल इज़ एन आर्टिस्ट नेम स्टीफन डेडल्स स्टीफन डेडल्स का जो है डेडाइल्स का क्या uh, होता है कि वो जो है आर्टिस्ट होता है और वो हर किसी को प्लीज करने की कोशिश करता है लेकिन एक को खुश करेगा तो दूसरा नाराज़ दूसरा को खुश करने की कोशिश करेंगे तो तीसरा नाराज़ है से जो है वो अपनी लॉयल्टी जो है ना अपनी फैमिली को दिखा सकता ना चर्च को ना कंट्री को क्योंकि एक को अगर दिखाएगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा सो द प्रोटैगनिस्ट गोज थ्रू वेरी मैनी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन जो है बहुत सारी चीज़ें वो देखता है और फाइनली जो है बाई द एंड ऑफ द नावल जो है क्या होता है स्टीफन डेरल डिसाइड्स टू isolate himself from family church and country to pursue his art because that is the only truth that he finds in the society the rest he feels that he can't please therefore the readers inference of the novel theme the novel's theme impact their perception and understanding of the story's resolution as well as the broader concept of the artist's role in a society मतलब यहाँ पे दिस बुक इज़ यहाँ पे मतलब मेजर uh, थीम तो है लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है रीडर्स जो है अपने परसेप्शन के हिसाब से जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं और मेन इसका यहाँ पे जो थीम है वो क्या है कि एक आर्टिस्ट का रोल सोसाइटी में क्या होता है ये बताने के लिए जो है अजीब स्टोईस ने मोस्टली ये नॉवल लिखी गई है आई होप यू अंडरस्टूड एवरी थिंग दर इज नॉ देर इज अलॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जो है इसमें आपको लिखना नहीं है बस इम्पॉर्टेंस उसके टाइप्स देना है डेफिनेशन देना है और एग्जाम्पल्स देना है एंड देट इज़ इनाफ सो इट इज़ अट इजियर दैन अदर लिटररी डिवाइस एंड आई होप यू अंडरस्टेंड एवरी थिंग इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थैंक यू